Hi everyone, today I'm going to share with you a very easy Indian style traditional A-line cotton kurti, right? For a summer season in a free online fashion designing course. So we are learning here a very easy way, step by step, how to proceed a designing, cutting and drafting also. So this is the three step design, cutting and stitching is very important. And today we also learn how to make assignment and how to make file. Both is very important in a fashion designing, and we are also focusing in drafting also. So every single fashion designer student or maybe आप fashion designing सीख रहे हो तो आपको ज़रूरी है कि pattern कैसे बनाते हैं, designs कैसे create किया जाता है, neckline का क्या important है और किस color का you know fabric हम लें for a summer season, और white also it's very good for summer, और किस तरह से हम strip वाले fabric इस्तेमाल करें for casual look for a summer or for a office look. तो देखिए यहाँ पे एक simple सा मैं बहुत short video share कर रही हूँ, detailing में end में बताऊँगी कि हम cotton fabric को किस तरह से step by step प्रोसीजर में लाते हैं, और ये बहुत आसान है. आप इस वीडियो के अंत तक देखिए और साथ में आप सीखेंगे कि किस तरह से हम स्मॉल पैटर्न बनाते हैं जैसे आप ये देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे असाइनमेंट फाइल में पेस्ट होगा. तो ये भी कैसे पेस्ट होगा, किस तरह से इसकी भी ड्राफ्टिंग बनेगी, ये तमाम प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और शेयर करने वाली हूँ. सो यहाँ पे रुक के एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए. और चलिए आज हम सीखते हैं कि किस तरह से हम एक बहुत प्यारा सा लॉन्ग ए लाइन कॉटन का ड्रेस बनाना सीखेंगे, वो भी 30 मिनट्स में. साथ में हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से फाइलिंग करें, किस तरह से हमारा असाइनमेंट रेडी होगा. तो ये तमाम स्टेप बाय स्टेप टेक्निक हम सीखेंगे इस वीडियो में. तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि थर्ड बैच के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, तो मैं आज कुछ असाइनमेंट भी देने वाली हूँ. तो चलिए देखिए यहाँ पे मैंने ए लाइन कुर्ती के लिए फाइलिंग कैसे किए करते हैं वो मैंने यहाँ पे शुरू किया है बनाना. स्क्रीन पे देख रहे हैं हमने 3 बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है. हमने इसमें नंबरिंग की है और बॉक्स की जो साइज़ है गाइज वो है 3x8 इंच, क्योंकि हमें बनाना है यहाँ पर ए लाइन कुर्ती की डिज़ाइंस, ड्राफ्ट एंड पैटर्न, राइट. तो नंबर 1 में हम डिज़ाइन बनाएंगे. आप देखिए फ्री हैंड में एक बॉडी ड्राफ्ट कर रही हूँ, और बॉडी कैसे फ्लैश बॉडी बनाया जाता है इसके वीडियो अपलोडेड हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि सब लोगों को ये रहता है कि मैम कंप्लीट वीडियो नहीं है. तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस कि प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा ना हो इस करके हमें शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ता है. हम आप सबके रिक्वेस्ट का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत लोगों ने बहुत सारे डिज़ाइनर ड्रेस की रिक्वेस्ट की है, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए वो सारे डिज़ाइंस ड्राफ्टिंग के साथ एक्सप्लेन करूँगी. देखिए ए लाइन का मैंने बहुत सिंपल सा एक स्केचिंग किया है, चूँकि मुझे फाइलिंग करना है तो ये सिर्फ पैटर्न के लिए मैंने डिज़ाइन बनाया है कि एक सिंपली वे पे हम किस तरह से अपने क्लाइंट को या हम जिसके लिए भी बना रहे हैं या हम असाइनमेंट बना रहे हैं तो एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज जब आपका यूनिट टेस्ट होता है तो आपको एक्सप्लेन किया जाता है. अब यहाँ पर मैं मेज़रमेंट लिख रही हूँ, फुल लेंथ मैंने ए लाइन का 48 इंच लिया है, आपको डिटेल स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा. हमने शोल्डर 7 इंच लिया है, चेस्ट इसका है 34+2 इंच लिया है. साथ में मैं यहाँ पे शॉर्ट स्केल भी यूज़ कर रही हूँ, नहीं है तो आप लॉन्ग स्केल भी यूज़ कर सकते हैं. वेस्ट है 28+2 इंच स्टिचिंग एंड कटिंग के लिए, एंड हिप राउंड सेम चेस्ट के हिसाब से. अब यहाँ पे 7 इंच की एक मार्किंग की है शोल्डर के लिए, राइट. एंड डाउन आर्म होल के लिए अगेन 7 इंच लिया, ठीक है, क्योंकि अब हमें यहाँ पे लेना है चेस्ट का मेजरमेंट. तो 34+2=36/4 इट्स 9 इंच. तो हमने 9 इंच का एक स्केलिंग लिया, अब फिर डाउन में जाएंगे 7 इंच, क्योंकि हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है. सो हमने वेस्ट का मेजरमेंट लिया था 28+2=30/4 7.5, राइट. तो ये वेस्ट का मेजरमेंट हो गया 7.4. अब आते हैं हिप राउंड, अगेन 7 इंच डाउन जाएंगे, और हम यहाँ पे हिप राउंड के लिए मेजरमेंट लेते हैं सेम, हमारा यहाँ पे 9 इंच आएगा, क्योंकि 36 डिवाइड बाई 4 सो 9 इंच. अब देखिए
चेस्ट से वेस्ट पॉइंट को जोड़ के वेस्ट पॉइंट को हमने हिप राउंड से जोड़ दिया। अब यह सीधे स्ट्रेट फोल्डिंग में लाइन खींचेंगे तो ये ए शेप का एक कुर्ती ड्राफ्ट हो गया है, राइट। सो गाइज, यहाँ पे हमारा पैटर्न हो गया डन, बट अभी हमारी नेक लाइन की ड्राफ्टिंग बाकी है। तो हमने डाउन पे 6 इंच लिया और 3 इंच हमने नेक लाइन की चौड़ाई ली, 3 इंच लिया। अब इसको शेप दे देंगे राउंड में और अब हम आते हैं आर्म होल की तरफ, क्योंकि अभी हमारा आर्म होल को शेप देना बाकी है। तो उससे पहले मैं डिटेल में मेजरमेंट यहाँ पे लिख देती हूँ, पर आप जब फाइल बनाएंगे तो आप इस तरह से ना लिखेंगे, आप क्लियर साइड में लिखेंगे, ठीक है। अब हम नेक लाइन को शेप दे दिए, अब आर्म होल को 1 इंच का यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे और ये इस तरह से राउंड शेप देंगे ताकि बहुत अच्छे से आर्म होल का शेप आए। अब हमने पैटर्न लिया, ब्राउन पेपर में पैटर्न बनाएंगे और ब्राउन पेपर की जो साइज़ है 4 इंच बाय 8 इंच, 4 इंच इसलिए क्योंकि ड्राफ्टिंग में कटिंग करना है। तो फोल्डर साइड में हमें हमेशा मार्किंग करना 7 इंच शोल्डर के लिए, राइट। देखिए डाउन में 7 इंच आर्म होल के लिए, राइट। अब 9 इंच था हमारा चेस्ट, तो ये हमने 9 इंच क्योंकि 36 डिवाइड बाय 4 किया था तो 9 इंच आया था। वेस्ट के लिए डाउन आएंगे यहाँ पे और ये मार्किंग होगी 7.5 इंच क्योंकि हमारा 30 था डिवाइड बाई 4 किया था। अब वेस्ट लाइन के बाद अब आते हैं हम हिप राउंड पे। सेम हमको उसी तरह से मेजरमेंट लेना है जिस तरह से हमने 2 नंबर पे ड्राफ्टिंग की थी, राइट। पैटर्न के लिए भी 8 इट इज़ हमारी मेजरमेंट आना चाहिए। अब ये हिप राउंड पे आ गए, चेस्ट से वेस्ट, वेस्ट से हिप राउंड। अब हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर लिया। अब नेक लाइन सेम मेजरमेंट 6 एंड 3 एंड राउंड देंगे और ये शेप आ जाएगी, ठीक है। अब आर्म होल की तरफ बढ़ेंगे, आर्म होल को भी उसी तरह शेप देंगे जिस तरह से हमने ड्राफ्टिंग में लिया था। अब थोड़ा 1 इंच डाउन जाके, 1 इंच नहीं, 1/2 इंच डाउन जाएं और शोल्डर की शेप लाने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे से पैटर्न जब बनता है एटिटीज हमें कोशिश करना है ताकि हमारी फाइल भी अच्छे से हो और हमें फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो हम निकाल के देख भी सकें। तो दिस इज़ द वेरी गुड वे। और गाइज, अगर आप कलर पेपर यूज़ करना चाहें पैटर्न बनाने के लिए वो करें। और साथ में मैंने एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा पैटर्न रेडी किया था अपने ड्रेस बनाते समय, क्योंकि मुझे दिखाना था कि प्लीज़ आप लोग भी प्रैक्टिस करें, अगर बड़े फैब्रिक में नहीं कर पाते प्रैक्टिस तो छोटे में करें। और देखिए कितना क्यूट लग रहा है। होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा गाइज, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमेशा स्प्रेड करते रहना चाहिए। सो ये देखिए, ये मेरा ड्रेस ऑलमोस्ट रेडी है और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस, ये पैटर्न कैसा लगा। मेरा समर का एक ड्रेस रेडी हो गया है। आप लोग भी मुझे फरमाइश कर सकते हैं कि अगर आपको कोई ड्रेस चाहिए। और अटैच करना बहुत आसान है, मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। कटिंग करने के बाद हमने ए लाइन में वाइट कलर का फैब्रिक लिया था जो मुझे कोटी स्टाइल बनाना था, राइट। तो हमने क्या किया, लाइन के साथ ही हमने स्टिचिंग कर ली ब्लू फैब्रिक को, ठीक है। इस तरह से बहुत शॉर्ट फॉर्म में हमने अटैच किया और उसको हमने पलट दिया। हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगा, ओनली 30 मिनट। ये हम नेक ज्वाइंट कर रहे हैं, नेक ज्वाइंट हो गया हमारा दोनों पार्ट का, फ्रंट बॉडी पार्ट एंड बैक बॉडी पार्ट। अब यहाँ शोल्डर से हम इसको अटैच कर देंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, एंड फोल्ड करने के बाद नेक में फिनिशिंग देंगे ताकि फैब्रिक अच्छे से अटैच हो जाए इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिनिशिंग देने के बाद शोल्डर ज्वाइंट करेंगे इस तरह से, राइट, ठीक है। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद इस तरह से दिखेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसमें जोड़ते हैं स्लीव्स। स्लीव्स की कटिंग मैंने बताई थी प्रीवियस वीडियो में, आपको याद होगा। सेम वैसी ही कटिंग करना है हमको और उसका डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए मैंने फैब्रिक में यहाँ पे जोड़ लिया है स्लीव्स, और ये भी मैं बताती हूँ कि कैसे स्लीव्स जोड़ा। बहुत आसान है, राइट पार्ट का जो हमारा ड्रेस का फैब्रिक है उसको हमने राइट पार्ट को यहाँ पे रखा, ठीक है। देखिए स्टिचिंग दिख रही है ना, राइट पार्ट है। अब इसके ऊपर हम
स्लीव्स को रखेंगे सेंटर पॉइंट करके, ठीक है। ये इस तरह से इसकी सेंटर पॉइंट है। अब इसको हम इसको अटैच करेंगे। बहुत आसान है अटैच करना। मुझे लगता है आप सबको स्टिचिंग आती है गाइज, और आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने ट्राई किया या नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से साइड भी देना चाहिए। तो मैं हमेशा पहले साइड अटैच करती हूँ, उसके बाद ही स्लीव्स लगाती हूँ। तो स्लीव्स लगने के बाद इस तरह से नज़र आएगा। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। सो यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय बाय। अपना ख्याल रखिए एंड बी क्रिएटिव। एंड थर्ड बैच का रजिस्ट्रेशन का असाइनमेंट है कि आपको बनाना है 2 फैशन इलस्ट्रेशन।